हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस व्हिच वर आस्ड इन द ओपन मॉक टेस्ट व्हिच वाज कंडक्टेड ऑन थर्ड ऑफ अक्टूबर 2021 राइट सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ व्हिच इज बेस्ड ऑन इरावडी डॉल्फिन्स नो इरावडी डॉल्फिन्स प्राइमरिली कहाँ मिलती हैं ऑप्शन्स आर मिटकोंग चाइना इरावडी म्यांमार महाकम इंडोनेशियन बॉर्न्यू या चिलेिकालेक इंडिया सो विच ऑफ द अबव इज़ आर करेक्ट तो आपके पास ये ऑप्शन है न इरावडी डॉल्फिन्स इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स एज फार एज यू पी एस सी प्रम्स इज कंसर्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन आता ही आता है सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट नो दिस इज़ अ रिलेटिवली ईजी क्वेश्चन बिकॉज वी ऑल नो दैट इरावटी डॉल्फिन्स, ईरावटी तो मे तो मिलती ही हैं जो कि म्यांमार में है उसके अलावा चिलिका लेक इंडिया में भी मिलती हैं एंड और दो जगहों पे मिलती हैं मिकॉन्ग रिवर इन चाइना एंड महाकम इन बोर्न्यू इंडोनेशियन बॉर्न यू सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ठीक है तो अगर आपने इरावटी डोल्फिन के बारे में पढ़ा हुआ है दिस शुडन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ठीक है ना अभी ये न्यूज़ में भी रहता है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट वाइल्ड लाइफ विंग दे एक्चुअली फाउंड आउट थ्री फोर्टी टू डॉल्फिन ऑफ थ्री स्पीशीज इन द लेक ठीक है द चिलिका लेक इन ओडिशा ना जो इरावटी डोल्फिन ना इंडेंजर्ड है आई यू सी एन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है उसके बाद अगर हम बात करें चलेगा लेक की और इरावडी डॉल्फिन्स की तो इरावडी डॉल्फिन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ दी हाइएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन राइट तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए इन फैक्ट दे आर दी फ्लैगशिप स्पीशीज़ इनहैबिटिंग द लेक तो जब भी हम फ्लैगशिप स्पीशीज़ की बात करते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इको और अगर हम उनको कंजर्व कर रहे हैं सो दे आर मोर ऑफ एन आई दे आर मोर ऑफ एन एम्बेसडर राइट ओके okay. उसके अलावा लाइक आई सेड मिकोंग चाइना इरावडी म्यांमार महकम इंडोनेशिया में ये आपको मिलती है राइट आई यू सी एन स्टेटस इन शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन साइट्स की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स सॉरी साइट्स का अपेंडिक्स वन है सी एम एस का अपेंडिक्स टू है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए अगेन आई एम रिपीटिंग साइट्स अपेंडिक्स वन सी एम एस अपेंडिक्स टू ठीक है सो so, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सी एम एस भी अपेंडिक्स वन हो लेकिन सी एम एस अपेंडिक्स टू है तो ये एक फैक्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है एज फार एज इरावडी डॉल्फिन आर कंसर्न राइट दिस इज हाउ दे लुक ओके then moving on to the next question so this is regarding three banded rose finch a difficult question if you haven't read about it ye aisa ek species hai jo har waqt news mein nahi rehta hai to agar miss ho gaya hai aap se to ho sakta hai aapko ye question attempt na ho paye you can always guess but it might go wrong also the answer आपको जरूरी नहीं है कि जो आप answer mark करें वो सही होगा, because बहुत ही factual question है. okay now three banded rose finch hai kya it is a bird ठीक है अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं इट इज़ अ न्यू बर्थ स्पीशीज आइडेंटिफाइड बाय एक्सप्लोरिंग दी हाई ऑल्टीट्यूड कॉनिफ्रिस फॉरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अब जैसे ये बैंडेड थ्री बैंडेड रोसफिंच आपको पता है बर्ड्स ही होते हैं बट अगर आपको ये भी नहीं पता तो यू माइट इवन गेट कन्फ्यूज कि क्या ये बर्ड है या को क्या ये मैमल है क्या ये रिप्टाइल है ठीक है so सो उसमें भी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं दैन द सेकेंड स्टेटमेंट इज द थ्री बैंडेड रोसफिंच इज एंडमिक टू अरुणाचल प्रदेश तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं अब देखो पहली स्टेटमेंट तो सही है आ, कि थ्री बैंडेड फिंच को पहली बार हमने आ, आ, जब अरुणाचल प्रदेश के हाई कॉन्फ्रेंस हाई ऑल्टीट्यूड कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहाँ पे हमें थ्री बैंडेड फिंच पहली बार मिली वहाँ पे ये नॉर्मली नहीं मिलती है लेकिन क्या ये एंडेमिक है अरुणाचल में क्या ये सिर्फ अरुणाचल में मिलती है नहीं इट इज़ नॉट एंडेमिक राइट सो द करेक्ट आंसर इज़ वन ओनली अब अगर हम थ्री बैंडेड रोल्स वेंच की बात करें ना तो थ्री बैंडेड रोल्स वज जो है वो सदरन चाइना की रेजिडेंट है मतलब वहाँ पे आपको नॉर्मली मिलती है और भूटान में वैग्रेंट है वैग्रेंट एक ऐसा बर्ड होता है जो कि नॉर्मली जो भी उसकी नेचुरल स्पीशीज़ रेंज है उसके बाहर आपको मिले ठीक है तो अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो ये नेचुरली रेजिडेंट है सदरन चाइना का या चाइना इट इज़ अ रेजिडेंट ऑफ चाइना बट भूटान में भी ये मिलता है तो भूटान में हम इसको वैग्रेंट कह देते हैं ठीक है रिसेंटली बी एन एच एस जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उन्होंने भी इसको आइडेंटिफाई किया अरुणाचल प्रदेश के हाई ऑल्टीट्यूड कॉनिफिर फॉरेस्ट में वाइट ब्रोट रोज फिंच ऑल्सो काइंड ऑफ अ बर्ड ये यहाँ पे कॉमनली मिलती है लेकिन थ्री बैंडेड रोसफिंच नहीं मिलती वाइट ब्रोट मिलती है ठीक है तो ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के okay. साइंटिस्ट दे अग्री टू द फैक्ट कि जो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट है जहाँ पर यह मिली है इट माइट बी अज दीज बर्ड्स माइट बी माइग्रेटिंग फ्रॉम चाइना टू भूटान वो चाइना से भूटान जा रहे होंगे एंड मीन वाई दे वर एक्चुअली दे स्टॉप बाय द अरुणाचल प्रदेश सो इट इज नॉर्मली नॉट फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नॉट इवन अ रेजिडेंट नॉट इवन अ वाइग्रेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बट ये पहली बार मिला वाइट ब्रॉड रोड्सि वहाँ पर जरूर मिलती है उसके बाद के बाद इनका जो आईसीएन स्टेटस है दोनों का ही क्या है लीस्ट कंसर्न ठीक है लीस्ट कंसर्न है 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 स्टेटस तो ये है, ये हमारे पास थ्री बैंडेड वाइट ठीक है ठीके? बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होंगे ओके रोज फिंच है तो दोनों ही रोज कलर्ड है राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट इज रिलीज बाय ये तो काफी सिंपल है ठीक है इसका आंसर क्या है डब्ल्यू एम ओ दैट इज वर्ल्ड मिट्योलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन राइट अब देखो ट्वेंटी ट्वेंटी जो रिपोर्ट थी दैट वॉज रिसेंटली रिलीज और उस रिपोर्ट ने यह बोला कि जो वार्मेस्ट डिकेट था इन दिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वो था टू थाउजेंड इलेवन ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है उसके अलावा ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ट्वेंटी ट्वेंटी था इट वॉज वन ऑफ द थ्री वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड कि जब से रिकॉर्ड की बेक हो रही है तब से वार्मेस्ट डिकेट ये थी और अगर हम वार्मेस्ट ईयर की बात करें तो थर्ड वार्मेस्ट ईयर था 2020 ठीक है अब आ, जो इंक्रीज़ हुआ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में दैट वाज 1.2 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स और ये जो इंक्रीज़ है मतलब वॉम वॉमेस्ट तो था 2020 तो ये वॉमेस्ट तभी भी था जबकि ला नीना था 2020 में एंड ला नीना का एक कूलिंग इफेक्ट रहता है उसके बावजूद भी ये थर्ड वार्मेस्ट ईयर बना ठीक है इंडिया में टू वेटेस्ट मॉनसून सीजन नाँटी नाँटी देखा गया इन ट्वेंटी इंपॉर्टेंट इज थी। okay. कि जब हम रेनफॉल की बात करें तो नाइन परसेंट अब थी लॉन्ग टर्म एवरेज देन बिकॉज ऑफ फ्लडिंग लैंडस्लाइड्स विच आर रिपोर्टेड एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो इसका लेवल है दैट हैज एक्सीडेड फोर हंड्रेड टेन पी पी एम और प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में कितना था टू एट्टी पी पी एम सो दिस इज़ वन फोर्टी एट परसेंट हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स उसके बाद ये जो रिपोर्ट है डब्ल्यू एम ओ इसको नाइनटीन नाइन्टी थ्री से निकाल रहा है एंड इट एक्चुअली डॉक्यूमेंसी इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जैसे कि लैंड एंड ओशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ग्रीन गैस ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमें पता चला इससे मेल्टिंग सी लेवल इंक्रीज मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करती है ये रिपोर्ट एंड इट हैज़ बीन देयर सिंस 1993 हर साल डब्ल्यू एम ओ निकालता है ओके देन नेक्स्ट अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व ठीक है इट इज़ द फर्स्ट टाइगर रिज़र्व इन तमिलनाडु ये स्टेटमेंट है एंड इट इज़ होम टू वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज सच एज तोतो अंगामी एंड चेंजू तो इसका जो लेवल है वो मीडियम से डिफिकल्ट है तो आई होप आपको इसका आंसर पता हो सो द करेक्ट आंसर इज नैन इज करेक्ट ठीक है बिकॉज ये फर्स्ट टाइगर रिज़र्व नहीं है तमिलनाडु हैज़ नाउ फाइव टाइगर रिज़र्व जिनमें से ये जो टाइगर रिज़र्व है ये सेकेंड था ठीक है इट वॉज द सेकेंड टाइगर रिज़र्व टू बी मेड इन तमिलनाडु और अगर हम बाकी ट्राइब्स की बात करें तो टोटो तो तो जो ट्राइब है वो वेस्ट बेंगल में मिलता है आपको अनलाइक लाइक तमिलनाडु अंगामाई इज़ फाउंड इन नागालैंड चेंचू इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश इन नालामाला हिल्स ठीक है सो लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो मलाई है इन तमिलनाडु राइट अब ये ट्वेंटी नाइन्थ है इट इज़ वन ऑफ द फाइव टाइगर तो रिजर्व इट शुड बी फाइव तमिलनाडु तो तो हैज़ नाउ फाइव टाइगर रिजर्व ठीक है तो एंड uh, ये जो है इट इज़ वन ऑफ दी वेरी इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व इन दी पलक् गैप इन दी सादर्न वेस्टर्न घाट्स काफ़ी इसका एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दी परम्बिकुलम एलिफेंट रिजर्व विच वॉज डिक्लेयर इन टू थाउजेंड थ्री दी अन्ना मलाई परम्बिकुलम एलिफेंट रिज़र्व ठीक है उसके बाद ये अगर हम बात करें सो वी हैड रेजिडेंस ऑफ टू ट्राइबल सेटलमेंट्स जो कि अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व के अंदर आपको मिलते हैं देवर यूर गेरिंग अप फॉर देयर एनवल फेस्टिवल ऑफ देयर लोकल डेटी दैट इज वेरा पत्तन ठीक है और ये सेकेंड था इस पर अगर हम टाइब ट्राइबल्स की बात करें सो यू हैव मालासार मलाई मालासार कदर मोजोवार पुलियार एरावलार ठीक है सो ये आपको मिलते हैं इस अन्ना मलाई में ठीक है देन फॉरेस्ट की बात करें सो वी हैव ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्रासलैंड शोलास मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट रिचर फाउंड है राइट देन नेक्स्ट वर्ल्ड माइग्रेटरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड सैटरडे ऑफ मे सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव अगेन ए क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता है तो यू कैन ईजिली मार्क मतलब दिस इज वन ऑफ द फ्यू डेज जो कि दो साल में दो बार मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे और सेकेंड सैटरडे ऑफ ऑक्टूबर को ठीक है हाँ सो दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट और ये जो डे है दैट इज़ जस्ट टू कम कमेमोरेट द अराइवल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ ठीक है बिटवीन देयर समर नेस्टिंग हैबिटेट्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड विंटरिंग ग्राउंड्स इन लेटिन अमेरिका मेक्सिको एंड कैरेबियन ठीक है तो इसलिए मनाया जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए उनको कमेमोरेट करने के लिए अब ये जो है इट वॉज़ फर्स्ट ऑब्जर्व इन नाइनटीन एटीन नाइनटी फोर ठीक है सो ये तब ऑब्जर्व किया गया था एंड इट वॉज सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद आर्बर डे जो कि ट्रीज़ को डेडिकेटेड रहता है ये दिन बट एज़ पर यूपीएससी आई थिंक आपको ये बताना चाहिए कि साल में कब मनाया जाता है तो दो तो तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये दो बार मनाया जाता है एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस फॉर कंजर्विंग हैबिटेट्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स स्पेशली द वेटलैंड ठीक है सो अगर हम इस साल 2021 की बात करें तो मे में जो था दैट दैट हैड द थीम सिंग फ्लाई और लाइक अ बर्ड ठीक है उसके बाद सी एम एस जो है कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो uh, जो है इसको इसका इवेंट ऑर्गेनाइज करता है यू एन ई पी भी इसको सेलिब्रेट करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में सेलिब्रेट करती हैं डिफरेंट कंट्रीज इसको सेलिब्रेट करती हैं देन नेशनल पार्कस के बारे में स्टेटमेंट है स्पेशली असाम ठीक है आसाम हैज द दाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया रायमोना एंड द हंग पटकाई आर द लेटेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट अगेन इट इज आई वुड से इजी टू मीडियम सो विच ऑफ द अबाव इज करेक्ट आपको बताना है सो द करेक्ट आंसर वॉज टू ओनली बिकॉज असाम के नहीं है एम पी और अंडमान एंड निकोबार हैज दाइएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क विच इज नाइन ठीक है आसाम में अभी रिसेंटली पहले पांच थे अब नौ हुए हैं रायमोना एंड दिहांग पटकाईवर एडेड सिक्स एंड सेवंथ नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट उसके अलावा वी हैव काजीरंगा मानस नामेरी ऑरेंज एंड दिब्रू साइकोवा ठीक है अब जो तो रायमोना है दैट इज सिचुएटेड इन गोसाई गाँव सब डिविजन ऑफ कोकरा कोकराझा डिस्ट्रिक्ट ठीक है एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस राममोना नेशनल पार्क इसमें फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नॉर्थ में बक्सा कहाँ पे होगा वेस्ट पे गॉल वैली साइड पे दैट इज वेस्ट ठीक है एंड इट इज़ फर्स्ट एडिशन टू मानस एंड मानस मानस एंड मानस नेशनल पार्क टू द ईस्ट एंड इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप विच इज असेंशियल फॉर लॉन्ग रेंजिंग वाइल्ड लाइफ लाइक एलिफेंट्स एंड टाइगर्स राइट और अगर हम बात करें इट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पफर ऑफ मानस टाइगर रिजर्व एंड होम टू स्पीशीज़ लाइक गोल्डन लंगूर एलिफेंट क्लाउडेड लंगूर तो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ रहती हैं यहाँ पर तो अगर हम इसको कंजर्व करेंगे इट विल एक्चुअली प्रोवाइड वाटर सिक्योरिटी टू अ लॉट ऑफ पीपल विच ने डाउन स्ट्रीम ठीक है उसके बाद देहांग पिटाई की अगर हम बात करें सो इट स्ट्रेच फ्राम अपर देहंग रिजर्व फॉरेस्ट इन द ईस्ट टू द जयपुर रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अन अदर थिंग विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट इज़ कि अगर हमने आपने मेरे हम, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ असाम पर सेपरेट वीडियो बनाया था सो यू कैन एक्चुअली वॉच दैट वीडियो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज असाम एंड इट्स प्रोटेक्ट एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रम्स राइट देन नेक्स्ट पायरो लालजी इज़ इन न्यूज वो क्या है अ न्यू बर्थ स्पीशीज अ न्यू ट्री स्पीशीज अ स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज

ठीक है एंड इट हैज़ रिसेंटली बिन डिस्कवर्ड कहाँ से अंडमान से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पे मिली है ये ठीक है सो इट इज़ फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ जीनस पायरोस्टाइरिया देखो पायरोस्टाइरिया इज़ अ जीनस विच बिलोंग्स टू कॉफी फैमिली ठीक है कॉफी फैमिली बहुत ब्रॉड फैमिली होगी उसमें से एक डिफरेंट जीनसेस होंगे उसमें से एक जीनस है पायरोस्टायरिया जिसकी पहली स्पीशीज हैव बिन रिकॉर्डेड इन इंडिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नॉर्मली आपको ये मैडा गास्कर में मिलती हैं सो दिस इज डिस्टिंगश्ड बाय अ लॉन्ग स्टेम विद अ विदिश कोटिंग ऑन द ट्रंक ऑबलोंग ऑब लीव्स एंड वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ अंडमान वनडूर्स फॉरेस्ट ठीक है so, is, uh, Oblong, Andaman, तो यहाँ पे ये आपको मिला है एंड द अदर प्लेसिज वेर इट कुड भी लोकेटेड आ दिरो फॉरेस्ट नहीं आता जरावर रिजर्व फॉरेस्ट एंड चिड़िया टापू फॉरेस्ट अगेन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बट आई थिंक इफ यू कैन जस्ट रिमेंबर कि आपको अंडमान से मिला है पहला स्पीशीज़ है ऑफ द जीनस पायरोस्टायरिया सो ऑब्वियसली पहला पायरोस्टायरिया है जो इंडिया से मिला है कहाँ से मिला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इट बिलोंग्स टू दॉफी फैमिली एंड आई यू सी एन स्टेटस अगर हम देखें तो इसका क्रिटिकली इनडेंजर्ड है ठीक है ओके

ठीक है नाउ देयर आर सेवरल जेनरा फ्रॉम दी फैमिली रूबीएसी लाइक आई स्टडी कॉफी फैमिली है विच आर कॉमन इन इंडिया जैसे सिंगोना एट्सेट्रा उनकी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है तो वो काफ़ी कॉमन है राइट ओके देन अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन कॉप ट्वेंटी सिक्स ऑफ यू एन एफ सी 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 विल बी हेल्प इन न्यू डेली ग्लास्को रोम कयोटो वेरी सिंपल ग्लास्को ठीक है ये पिछले साल होना था 2020 में होना था लेकिन नहीं हो पाया पोस्टपोन है अभी नवंबर में होगा इन ग्लासगो राइट स्कॉटलैंड ओके सो इसके बारे में आप देख सकते हैं पढ़ भी सकते हैं देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्लैक कार्बन और आपको इनकरेक्ट बताना है ठीक है ये जरूर देखिए कि आपको करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस Black carbon is quickly washed out and can be eliminated from the atmosphere if emissions stop. ठीक है इट इज़ अ शॉर्ट लिफ्ट पल्यूटेड विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द कूलिंग ऑफ प्लानट तो इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है सो द करेक्ट मतलब द करेक्ट ऑप्शन वुड भी टू ओनली बिकॉज दैट इज द इनकरेक्ट वन जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है बिकॉज ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लिफ्ट ये भी आपको वही बता रहे हैं और ये वाला भी आपको वही बता रहे हैं पर ये गलत क्यों है बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कूलिंग ऑफ द प्लान बट टू द वार्मिंग ऑफ द प्लानट सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग ठीक है सो ब्लैक कार्बन शॉर्ट लिफ्ट होता है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द वार्मिंग ऑफ द प्लानट और अगर हम बात करें ना ब्लैक कार्बन की इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेरोसोल इसको सूट भी कहा जाता है ठीक है और ब्लैक कार्बन बनता कैसे है जब यू हैव uh, जब कम्बशन होती है इनकम्प्लीट कम्बशन हो ऑफ बायोमास इनकम्प्लीट कम्बशन हो ऑफ यू नो फ्यूल्स तो हमारे पास ब्लैक कार्बन इज़ रिलीज है ना इट इज़ इमिटेड फ्रॉम डीजल गैस कोल कोलफायर्ड पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज दैट बर्न द फॉसिल फ्यूल ठीक है एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ठीक है और शॉर्ट लिफ्ट है एंड इट बट शॉर्ट लिफ्ट का यही है कि अगर इसकी मिशन रुक जाएंगे तो ये क्विकली वॉश आउट हो जाएगा ठीक है देन नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस थोल वाधवाना सुल्तानपुर भिंडवास एंड दे हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज दे हैव बीन रिकोगनाइज एज टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व वल्चर पार्कस नॉन ऑफ दे अबाव ठीक है अगेन सिंपल क्वेश्चन इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग द करेंट अफेयर्स इन प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली बट डिफ़िकल्ट अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है ठीक है अगर आप वेटलैंड्स के नाम अच्छे से याद नहीं करते हैं सो so इसका जो सही आंसर है वो है नन ऑफ द अबव क्योंकि दे हैव बीन रिकगनाइज एज रामसर साइट्स टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया टू फोर्टी सिक्स ठोल एंड वढ़वाना आर फ्रॉम गुजरात सुल्तानपुर एंड भिंडवास फ्रॉम हरियाणा ठीक है इसके ऊपर भी आई मेड अ सेपरेट वीडियो यू कैन जस्ट क्विकली रन थ्रू दैट एंड रीड ऑल द डिटेल्स देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लेपर्ड्स इनकरेक्ट बताना है स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट इन इंडिया टू थाउजेंड एंड एटीन रिवील्स दैट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया हैज बाई सिक्सटी परसेंट दे आर बिलीव टू बी लीस्ट अडेप्टेबल कॉनिवोस महाराष्ट्र हैज हाइस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया ठीक है सो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ही गलत हैं सो so, हमारा जो आंसर है इट शुड बी ऑल आर इन करेक्ट राइट क्योंकि अगर हम बात करें ना कि पॉपुलेशन श्रिंक नहीं हुई है इंक्रीज हुई है एग्जैक्टली सिक्सटी परसेंट इंक्रीज हुई है एंड दे आर मोस्ट अडेप्टबल कानीवर्स और मध्य प्रदेश के में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स मिलते हैं इंडिया में ठीक है अब ये जो रिपोर्ट है जब टाइगर सेंसस होता है उसी के साथ ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है ठीक है उसी के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए दिस इज हाउ द लेपर्ड लुक्स और अगर हम बात करें लेपर्ड्स की आई स्टेटस क्या है वनरेबल ठीक है आई यू सी एन स्टेटस वनरेबल है शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट साइट्स वन इनफैक्ट स्नो लेपर्ड उसका भी अगर हम देखें तो सेम ही आई यू सी एन स्टेटस वनरेबल शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स अपेंडिक्स वन राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग द सोल्यूशन्स टू द इन्वायरमेंट क्वेश्चन अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग